দেখারে তোমরা ভাই বিচি কি রকম না নম্বর ক্যাশ tan inverse root over 1 plus kya hai x square minus cot inverse ye hai इनका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए इनके अगर माइनस को खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं पाई में से घटाते हैं तो ये यहाँ पर आप करेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इनका आंसर सत्या जी बोलेंगे क्या होगा जीरो आंसर आता है सत्या जी सबसे पहले बोल दिया चलिए ये जो लड़का है किस हिसाब से ये रिश्ता बना लिया है के रिश्ता का ना आ गया जय मुन्ना था भक्ति ये मार देंगे इसका पप्पा हम भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है पाई बाई टू क्या होता है पाई बाय टू अब माइनस क्या हो गया पाई देखिए ये जो संख्या है ये क्या है कॉन्स्टेंट न जी इसका भी जीरो होगा इसका भी क्या होगा जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया ना आंसर तो किस ऑप्शन में है जीरो सी में है तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा समझ गया ना। अब जो क्वेश्चन है 20 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना होगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है यस सर समझ गया ना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है ऐसे ये क्वेश्चन ही आपको गलत लिखा हुआ है ये सही तरह से किस प्रकार से लिखा जाएगा 2x/3x ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा जाएगा समझ गया ना पता नहीं क्वेश्चन कैसे सीधा तो 2/3 होल पावर क्या होगा एक्स तो बताओ आपको हम एक फॉर्मूला लिखा है ना ये तो पावर एक्स डी ये पावर एक्स डी एक्स ये पावर एक्स पावर एक्स पावर लैक्स नहीं होता है ए उसी प्रकार से 2/3 होल पावर एक्स बटा क्या हो गया डी एक्स तो ए पावर क्या होता है एक्स ए का मान क्या है 2/3 पावर क्या होगा एक्स लॉग क्या होता है ए का मान क्या है 2/3 ये आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है किस ऑप्शन में है तो सी इनका आंसर होगा। देखेंगे सर ये जो था ना क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था समझ गया ये क्वेश्चन इस प्रकार से रहना चाहिए। देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है क्वेश्चन नंबर 22 में है y बराबर log cos x स्क्वायर हो गया देन एक्स बराबर रूट ओवर पाए तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है जीरो हो जाता है जीरो आंसर आता है जीरो तो देखिए लॉग एक्स का क्या होता है 1/x
एक्स के स्थान पर क्या है कोस एक्स स्क्वायर, तो वन बटे क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर होगा। फिर देखो अब कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स बटे माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स। अब देखो x का मान क्या दिया है पाई, x का मान रूट पाई, रूट x बराबर रूट ओवर पाई पाई। अब देखो dy बाय dx, x के स्थान पर क्या रखोगे पाई रूट पाई रूट ओवर पाई माइनस टू इंटू रूट ओवर पाई साइन, देखो साइन एक्स स्क्वायर है ना तो पाई बाहर आ गया। और इसका देखो इसमें भी पाई बाहर आ गया, साइन पाई का मान जीरो होता है, इसका मान माइनस वन होता है जीरो हो गया, तो जीरो इनका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है सी में। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है डी बटे डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स को पावर फाइव माइनस ए को पावर फाइव एक्स माइनस ए, बोलो इनका मान क्या होगा इसका होगा इसका मान क्या फाइव पे पावर फोर होगा। देखिए ये हो जाएगा अगर सर डायरेक्ट रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। देखो फाइव ए को पावर फाइव माइनस क्या होगा वन, फाइव ए पावर क्या हो गया फोर, ये कॉन्स्टेंट है इनका मान क्या होगा जीरो आंसर। लिख लो ये फॉर्मूला होता है एक्स टेंस टू ए, इसमें फाइव ए स्क्वायर आंसर गलत है सर गलत न है उसमें गलत है फॉर्मूला है फाइव जीरो आंसर ए पावर हम भी निकाले जीरो। देखो फॉर्मूला यहाँ पर एन हो जाता है, यहाँ पर क्या जैसे पांच लिया है ना यहाँ पर एन दे दो जी सर इसका क्या होता है एन ए पावर एन माइनस वन होता है, उसके अनुसार तुलना करो तो क्या होगा होता है फॉर्मूला होता है जीरो हो गया ना। क्या आंसर दिया है इसमें दिया है फाइव ए स्क्वायर फाइव ए टू द पावर फोर, तो देखो ये गलत है ना उसमें डिफरेंशिएट करना है ना अच्छा, हाँ, का डिफरेंशिएट क्या होगा जीरो